वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चंस किस टाइप के आप एग्जाम में आए हुए हैं उसको कैसे सॉल्व करना है इसमें मैं आपको ये बताऊँगा तो so, आज प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन आपके सामने मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूँ जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है आप बैक कंटेंट्स टू वाइट बॉल वाइट बॉल कितनी है इसमें बच्चे आपके पास पे व्हाइट बॉल आपके पास पे दो है आ कंटेंट्स टू व्हाइट बॉल्स तो बच्चे व्हाइट बॉल्स कितनी आपके पास पे व्हाइट बॉल्स टू है एंड थ्री ब्लैक बॉल्स और ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल्स आपके पास में क्या है बच्चे थ्री ब्लैक बॉल्स है फोर पर्सन ए बी सी डी इन ऑर्डर नेम्ड ईच ड्रॉर्स द वन बॉल एंड नॉट रिप्लेस इट चार लोग हैं बच्चे चारों का नाम क्या क्या है एक का नाम ए है एक का नाम बच्चे बी है और एक का नाम सी है और एक का नाम डी है क्लियर है और चारों क्या करते हैं चारों एक एक बॉल को निकालते हैं बट विदाउट रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक बॉल निकाला है तो वो बॉल वापस आपने डालना नहीं है क्लियर है अब उसके अंदर जो टोटल आपके पास में वो एक कम हो जाएगा देन सेकंड आएगा वो एक बॉल निकालेगा अब उस बॉल को वापस रिप्लेस विद रिप्लेसमेंट में होता है कि निकाला और देखा रिजल्ट क्या है वापस उसमें डाल दिया तो इस इसमें टोटल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है बट जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें आप पर आपने एक निकाला है उसके बाद आप रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं तो अब उसके टोटल में एक कम हो जाएगा देन दोबारा निकाला तो टोटल एक एक रिड्यूस होता चला जाएगा तो ऐसा ही कह रहा है कि ए बी सी डी चार पर्सन है और चारों क्या करते हैं चारों बॉल को निकालते हैं फोर पर्सन ए बी सी डी इन द टू ऑर्डर नेम्ड द ईच ड्रॉ वन बॉल डज नॉट रिप्लेस इट द फर्स्ट टू ड्रॉ वाइट बॉल रिसीव ट्वेंटी रुपीज अब क्वेश्चन यह कि अगर आप व्हाइट बॉल को निकालते हो तो आपको बीस रुपए मिलेगा ये क्वेश्चन है तो एक बैग में थ्री ब्लैक बॉल्स टू व्हाइट बॉल्स डाला है और मैंने आपसे कहा कि बच्चे अगर एक सफेद आप रेंडमली बॉल को निकालोगे और रैंडम बॉल को निकालने के बाद आपके हाथ में अगर एक व्हाइट बॉल आ गया तो मैं आपको बीस रुपए पे करूंगा तो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन होगी अपने आप से यार मैं मैक्सिमम कितना यहां से पैसा लेके जा सकता हूं लेकिन आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे तो जो बी आएगा बी के लिए प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि रिप्लेस नहीं करा चांसेस उसके कुछ और हो जाएंगे एंड जब बी निकाल करके वो भी रिप्लेस नहीं करेगा तो सी के लिए चांसेस कुछ और हो जाएंगे अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो जो ए के लिए चांसेस था वही बी के लिए भी चांसेस थे वही चांसेस सी के वही चांसेस डी के भी बट पे चांसेस वेरी करेंगे क्योंकि जब एक निकालेगा तो डाल के नहीं जाएगा वो साथ उस बॉल को लेके चला जाएगा तो ऐसे ही चार पर्सन है तो अगर आपके पास में एक वाइट बॉल का ट्वेंटी रुपीज मिलता है तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप कितने रुपए लेके जा सकते हो क्लियर है बच्चे क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको मैंने दिया था कितने क्लियर है बच्चे तो आप बॉल कितने निकालोगे टू बॉल्स निकालोगे तो मेरे मन में तो ख्याल आएंगे कि यार अगर मैं दो बॉल मेरे सफेद आ जाए एक वाइट एंड दूसरा भी मेरे पास में व्हाइट आ जाए तो बीस रुपए एक के मिलेंगे दो के मेरे पास चालीस रुपए मिल एक्सपेक्टेशन क्या है आपके कहने का मतलब है तो ये डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है आपके वाइट बॉल के आने की जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उतने ही आपके अमाउंट वहां पे बनेंगे तो ए की प्रायोरिटी की मैं बात करता हूं ए की प्रायोरिटी कि किस चीज़ के निकालने के बारे में सोच रहा है वाइट बॉल के बारे में सोच रहा है तो जिस चीज की प्रायोरिटी हमें निकालना है यहाँ पर वो हमारा नोमिनेटर में आता है जिसकी प्रायोरिटी आपको फाइंड करनी है उसका टोटल नंबर आपका नोमिनेटर में आता है फेवरेबल आउटकम जो होता है क्लियर है और टोटल जितने में से आप निकालते हैं वो नीचे आता है तो ए के लिए प्रायोरिटी क्या है टू बाई फाइव है व्हाइट बॉल निकलने की क्लियर है बच्चे अब उसके बाद बी के लिए क्या प्राइलिटी है तो अब इसने रिप्लेस तो करा नहीं ये भी तो टू बॉल निकालेगा निकालेगा बट रिप्लेस नहीं करेगा तो आउट ऑफ फोर में से निकालेगा ये टू बॉल क्लियर है तो लेकिन ये इसकी प्रायोलिटी नहीं है जो ए की प्रायोलिटी है और बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट बचा आपका वो आपका बी की प्रॉरिटी बनेगी तो ए की टू बाय फाइव है टू बाय फाइव चांस है कि ये दो वाइट बॉल निकाल ले बाकी कितना चांस है ये वाइट बॉल नहीं आ पाए थ्री बाय फाइव यही ट्रांसफर होगा यही चांस बी का बनेगा क्लियर है बच्चे अगर इसके दो बाय पाँच आ गए तो फिर बी का तो वो व्हाइट बॉल निकाल ही नहीं पाएगा वो तो जो प्रोबेबिलिटी ए की है कि टू बाय फाइव चांसेस है इसके बॉल निकालने की, लगभग लगभग इन टू हंड्रेड फोर्टी परसेंट चांस है कि इसके हाथ में दोनों बॉल व्हाइट लगे तो रेस्ट ऑफ सिक्सटी परसेंट चांस ही आगे डिलीवर होगा होगा तो 60% परसेंट चांस का मतलब क्या हो गया बच्चे की बात करता हूं आपका ही आगे वाले के बनते हैं तो ये आपके पांच है ये बच्चे तो क्या जाएगा तीन बटा पाँच, ये बात समझ में आए बच्चे आपको तो एक तो दो बटा चार दो बोल आउट ऑफ फोर में से बट ये पूरी प्रोलिटी नहीं है जो इससे बचेगा तो ही वो इसकी प्रोलिटी बनेगी तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको क्लियर है इसकी प्रोबलिटी अगर मैं बात करता हूँ बच्चे तो इसकी प्रॉब्लटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या हुआ दो बॉल आपके इसको भी दो ही निकाल लें बट ये आउट ऑफ तो थ्री निकालेगा ये भी दो निकालेगा बट ये आउट ऑफ टू निकालेगा इस बात को आप समझ पाए बच्चे क्योंकि जैसे ही कोई एक बॉल निकालता है वो उसको रिप्लेस नहीं करता है निकालने तो दो ही है इसको भी बट इसने रिप्लेस नहीं किया तो पाँच में से चार बचा निकालना इसको भी दो है बट रिप्लेस नहीं किया इसने देखिएगा निकालने दो नहीं है निकालना एक ही वाइट बॉल है बट वाइट बॉल के नंबर दो हैं आपके पास में वाइट बॉल कितने दो हैं तो जो आप एक बॉल विड्रॉ करोगे उसको वापस आप इस पर डालोगे नहीं तो यहां पर ये जब एक निकालेगा तो चार में से आपके पास तीन टोटल बॉल रह जाएंगे एक और निकाल के फिर रिप्लेस नहीं करेगा तो आपके तीन में से टोटल बॉल दो ही रह जाएंगे बट जो फेवरेबल आउटकम है वो टू वाइट बॉल का है उसके अंदर ये क्लियर है आपको ये बात समझ में आए बच्चे अब आपके पास में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ देखिएगा क्या है आपके पास में आप टू व्हाइट बॉल है थ्री ब्लैक बॉल है और क्वेश्चन ये है कि भैया अगर आपके हाथ में व्हाइट बॉल लगता है तो आपको ट्वेंटी रुपीज मिलेंगे तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप कितने रुपए ऑन करेंगे अब क्वेश्चन ये डिपेंड करता है प्रोयलिटी पे कि आपके चांसेस क्या है लेकिन दो व्हाइट है थ्री ब्लैक है और आप एक ही बॉल विदड्रॉ करोगे एक ही विड्रॉ करोगे तो आप प्रॉयरिटी ऐसा निकालते हो फेवरेबल आउटकम व्हाइट टू है आउट ऑफ टोटल आउटकम फाइव है तो इसकी प्रोयलिटी इतनी है क्लियर है बच्चे इसकी प्रॉयरिटी कितनी होगी ये भी आपके दो व्हाइट बॉल है बट ये किस में से इसकी बटी बनती है इसकी फोर फोर में में से से बनती है अब आप कहोगे सर दो बॉल के चांसेस तब होंगे ना जब इसके पास में व्हाइट बॉल इसे नहीं निकाला होगा तभी तो दो व्हाइट बॉल आउट ऑफ फोर की प्रोयलिटी बनती है क्लियर है तो इसके ना निकलने के चांसेस क्या है दो बटा पांच से निकलने के चांसेस है तो तीन बटा पांच इसके ना निकलने के चांसेस है क्लियर है बच्चे इसी तरीके से अब इसकी बारी आएगी तो उसने रिप्लेस नहीं करा अपने पास रख लिया तो चार में से एक बॉल रख लिया तो अब इसके पास में तीन ही बॉल बचे और और दो व्हाइट बॉल तो वो तो जब दो व्हाइट बॉल निकाल पाएगा ना जब इनमें से किसी के हाथ व्हाइट बॉल नहीं लगा तभी तो दो व्हाइट बॉल की प्रोलिटी ऊपर रखूंगा मैं आउट ऑफ थ्री तो बच्चे आप बताओ इसके चांसेस क्या है इसके थ्री बाय फाइव है चांसेस इसके चांसेस कितने हैं नहीं निकलने के क्लियर है तो दो बड़ा चार सौ निकलने के चांसेस हैं वन में से माइनस कर दो एक पूरा चांस होता है तो दो बटा चार ना निकलने के चांसेस हैं तो मल्टीप्लाई बाय दो बड़ा चार ना निकलने के चांसेस हैं क्लियर है बच्चे बात समझ में आए इसके कितने है? ये दो बॉल है और आउट ऑफ कितने बचेंगे दो तो दो में से दो ही इसके व्हाइट निकल जाएंगे वो तब है जब किसी के हाथ में व्हाइट नहीं लगेगा तो इन सबके पास में ना निकलने की प्रॉलिटी क्या है इसके पास में ना निकलने की प्रोलिटी थ्री बाय फाइव है क्लियर है बच्चे एक तो यहाँ की प्रॉयरिटी कितनी है आपके पास में थ्री बाय फाइव क्यों टू बाय फोर है और इसके पास निकलने की प्रॉब्रिटी टू बाई थ्री है तो इसकी ना निकलने की प्रॉब्रिटी वन बाय थ्री है क्लियर है इन टू वन तो ये सबके इनके अपनी अपनी प्रॉबलिटी आ गई टू बाई फाइव एंड सॉल्व करेंगे आप टू थ्री बाय टेन एंड इसकी पॉसिबिलिटीज आपके पास में आ गई है थ्री से थ्री कैंसिल हो गया टू से टू एंड टू कैंसिल हो गया आपके पास में चांसेस वन बाय फाइव यहां पर आपका थ्री से थ्री कैंसिल हो गया आपके पास में टू से टू कैंसिल हो गया आपके पास में और आपके पास में कितना है टू बाय ट्वेंटी फाइव क्लियर है अब इनके एक्सपेक्टेशन क्या है अगर इसके टू बाई फाइव चांसेस हैं बॉल के निकालने के और वो बीस रुपए का चांस बनता है तो टोटल कितना बनता है इसका इसके बनते हैं आठ रुपए के इसके पॉसिबिलिटीज बन जाती है इस किसी तरीके से थ्री बाय टेन इंटू ट्वेंटी रुपीज तो छ रुपए इसके बनते हैं और इसका जो है वन बाय फाइव इंटू ट्वेंटी रुपीज तो फोर रुपीज की प्रॉबलिटी बनती है एंड इसकी टू बाय ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी रुपीज़ तो चार पाँच आठ बटा पाँच वन पॉइंट सिक्स रुपीज़ की पॉज बनती है क्लियर है बच्चे 2019 का क्वेश्चन है प्रोयलिटी क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉयरिटी क्वेश्चन ऐसा होगा कि माइंड में क्लिक कर गया ठीक है नहीं क्लिक कर गया बहुत रेय हो आते हैं क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर पाओ क्लियर है कोई डाउट हां जी बच्चे अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें इसको आप एक बार करेंगे ट्राई हाँ जी बच्चे देखेंगे तो अब आपका बिजनेस स्टैटिक्स का मैं सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूं अब बिजनेस स्टैटिक्स के रिलेटेड कोई क्लासेस नहीं लगेंगे अब सिर्फ और सिर्फ आपके जो फोल्डर है उस फोल्डर में मैं आपके कंटेंट को मैनेज करूंगा मतलब कि कंटेंट ऑलरेडी मैनेज है कोई डाउट नहीं है उसमें इम्पोर्टेंट पे स्टार लगाऊंगा ठीक है बच्चे तो अब मैं इसके इम्पोर्टेंट पे स्टार लगाऊंगा कुछ क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है उसके लिए मैं नोटिफिकेशन दूंगा और जो आप मुझसे पूछेंगे जो डाउट है जो क्वारी है पूछेंगे मैं उसका रिप्लाई करूँगा अब आपका अब लास्ट मोमेंट है देन आप प्रैक्टिस करिए वीडियो देखिए और आप कुछ पूछते हैं तो मैं उसका रिप्लाई करूँ तो अब बिज़नेस स्टैटिक्स के आज मेरे आपके साथ में लास्ट लाइव क्लासेस थे लेकिन अगर नीड हुई बीच में तो मैं और क्लासेस अरेंज करूंगा बट फिलहाल ज़रूरत यह है कि आप वीडियो को देख करके पहले सेल्फ प्रैक्टिस तो कीजिए क्लियर है बच्चे और आपके जो डाउट्स नंबर है वो टीम के पास में होता है बट वो टीम के साथ साथ में उस डाउट नंबर को मैं भी अपने फ़ोन में आप एक्सेस जो है वो ले लेता हूँ ताकि मैं भी आपके डाउट्स को और आपसे जो है कम्युनिकेट कर पाऊँ क्लियर है बच्चे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में आपके साथ में बहुत अच्छा सफर रहा हज़ारों की संख्या में बच्चे आप लोग जुड़े हों और हज़ारों की संख्या में आप लोगों को 80 से 90 लेक्चर के बीच में मैंने आपको क्लासेस दी हैं लेकिन आप इस बात का यकीन कीजिएगा जितनी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं आपको अगर आपने वो सारी क्लासेस देखी हुई हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो कि जो कंटेंट में पढ़ाया गया आपको उससे बाहर होगा ये सब कहने की बात नहीं है पेपर वाले दिन आप खुद रियलाइज़ करोगे और एग्ज़ाम जैसा भी आपका जाए आपको रिप्लाई जरूर करना है क्लियर है बच्चे और अभी सफ़र ख़त्म नहीं होता है अब आपके मैसेजेस का रिप्लाई देने का सफ़र शुरू होता है टाइम पे तो इसलिए आपको जो है कोई भी डाउट होगा कुछ भी आप पूछेंगे आप लोगों के सपोर्ट से आप लोगों ने जिस तरीके से स्प्रेड करा बातों को आपके थ्रो ही बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तो इस बार बिजनेस स्टैटिक्स के बैच में हज़ारों की संख्या में बच्चे आए दिल्ली ड्यू के एस के स्टूडेंट्स सारे बड़े से बड़े जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं वो बच्चे जुड़े उन्होंने अपना ट्रस्ट दिखाया लेकिन अभी समय खत्म अभी काम खत्म हुआ नहीं है अभी और काम लेंगे और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आएंगे प्रोबेबिलिटी के टॉप फाइव क्वेश्चन ये कर लो विध सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा तो ऐसे ऐसे चीज़ें अब आप मैं आपको दूंगा टॉप फाइव टॉप फोर मैं कंटेंट अब डिलीवर करूंगा क्योंकि अब आप आपको प्रैक्टिस करवानी है टेस्ट आपका लूंगा मैं टेस्ट शेड्यूल बना देता हूँ मैं आपका तो इस तरह की चीज़ें हम करेंगे क्लियर है बच्चे तो टेस्ट का सिलसिला चालू होगा आपके डाउट्स को लेने का सिलसिला चालू होगा और आपके कंटेंट पे स्टार मार्क करने का सिलसिला चालू होगा तो बच्चे अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में थैंक यू थैंक यू सो मच पर जरूरत होने पर मैं लाइव आऊँगा बच्चे एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में आपको तीन घंटे मिलते हैं एग्जाम में और आप आ, दो साल के भेजोगे तो छः घंटे तो एक क्लास में कवर नहीं होगा मैं कंटेंट में बता दूंगा आपको कि कौन कौन से कंटेंट में कहाँ देखो और कंटेंट में जाकर ढूंढने का काम तो आपका ना स्टूडेंट आप हैं इस बात को समझिए आप और पिछले पाँच साल के मैंने मेजर मेजरमेंट ऑफ सेंडे टेंडेंसी के क्वेश्चन करवाए हैं मैं दिखाता हूं कंटेंट में आपको ये देखो बच्चे 2022 का क्वेश्चन मेजरमेंट ऑफ सेंटेंडेंसी का मैंने करवाया आपको 2022 का क्वेश्चन था यहां देखें आप फिर 2021 का मेजरमेंट ऑफ सेंटेंडेंसी का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपका जो आप दो साल कह रहे हैं कि एक से एक ही क्वेश्चन आता है ना पेपर में अब देखो 2020 का मैंने मेजरमेंट ऑफ सेंटर ट्रेंड से क्वेश्चन करवाए अब दो उन्नीस के क्वेश्चन आप करवाए तो, सा करवा तो पांच साल जो पेपर में आया था यूनिट वन वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ये सारे क्वेश्चन देखो क्या है और ये जो क्वेश्चन है जो ये करवाया आपका ये कितने मार्क्स का है पता है आपको ये आपका थर्टी मार्क्स का है ये थर्टी मार्क्स का पेपर में आएगा मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्लियर है बच्चे और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का आपका कोरिलेशन आएगा पैनिक होने की नीड नहीं है आपको और कोरिलेशन क्वेश्चन दिखाता हूं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में देखो खैर मेजरमेंट ऑफ सनडे टेंडेंसी का मैं आपको ये एक्स एंड वाई वेरिएबल के साथ में आपको मैं क्वेश्चन 2019 का दिखा रहा हूं कोरिलेशन का धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये हजार उन्नीस का क्वेश्चन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दो हजार बीस का क्वेश्चन दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन दो हजार इक्कीस से क्वेश्चन देख रहे हैं आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए आपको दो हजार अठारह क्वेश्चन और बताओ भाई और क्या कर सकते हैं तो क्या समझ में आपको आ रहा है आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेजरमेंट ऑफ सन्न टेंडेंसी के को कवर करो इसमें मीन मीडियन मोड ही नहीं है इसमें स्ट्यून है डिसपर्जन है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइशन है कटेसिस है थर्टी मार्क्स का इसका वेटेज है आपका फिफ्टीन मार्क्स का तो आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है और प्लस में आपका इंडेक्स नंबर आपका फिफ्टीन का आ जाएगा आपका और आपके पास में टाइम सीरीज फिफ्टीन का है इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं आता है सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास में यहां पर आप अपना आकर के अपने सिलेबस को पहले पूरी तरीके से आप कवर करो क्लियर है तो क्या छोड़कर नहीं जाना इंडेक्स नंबर बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि उसके क्वेश्चन इधर उधर हिलके नहीं आता है डायरेक्ट आपका होगा ही होगा टाइम सीरीज बिल्कुल मत छोड़ के जाना क्वेश्चन आपका होगा ही होगा और दूसरा आप मेजरमेंट ऑफ संडे अटेंडेंसी कोरेशन और रिग्रेशन टाइम की शॉर्टेज है तो आप प्रॉबलिटी लास्ट में आप स्टार्ट करना क्योंकि आप इसमें कितना भी टाइम दे दो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर लो लेकिन लास्ट के पांच साल में से कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा ये बात मैं आपको बोल रहा हूं लेकिन पहले आप इन टॉपिक को कवर करेंगे अब मैं बिजनेस स्टैट्स स्टार्ट जब बिजनेस मैथ से वीडियो बनाऊंगा तो उसके ऊपर फिर आप आपसे उसमें बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हमारे आज सर मैं बिजनेस स्टैट्स के बारे में बता रहा हूं ठीक है बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में और अभी आपके डाउट्स के साथ में वो नंबर मैं ले रहा हूं जो टीम के पास में था ताकि आपको रिप्लाई जल्दी मिल सके ठीक है बच्चे कोई डाउट है कोई क्वायरी है तो प्लीज आप मैसेज कर दीजिए कोई दो चार पॉइंट्स आपके ऐसे हैं ठीक है बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू जी थैंक यू सो मच